राजस्थान के जयपुर में महारानी कॉलेज में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने मंच पर दोनों गुट के छात्र एक दूसरे के ऊपर जमकर टूट पड़े। शेखावत छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बवाल तब मचा जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को विरोधी गुट में से किसी ने थप्पड़ मार दिया। पुलिस के बीच बचाव के बाद भी छात्रों की झड़प जारी रही। बिहार के दरभंगा में एक्साइज विभाग की टीम पर हमला हो गया। देसी शराब बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद टीम इलाके में पहुंची थी। आरोप है कि 25 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद शराब माफियाओं के इशारे पर एक्साइज विभाग और पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों और पत्थरों से हमले में दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए और पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर साधु संतों की बैठक हुई। अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि और कई हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को हटाए। गोवा के मापुसा इलाके में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ। धमाके से इमारत के पास खड़ी 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और पास के कई फ्लैट्स की खिड़कियां भी टूट गईं। ब्लास्ट वाली इमारत की दीवार में दरार आ गई। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। FSL की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच की जा रही है। ब्लास्ट के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव शुरू हो गया। सीवान जिले में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिले के नबीगंज ब्लॉक में हो रही मौतों से मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 16 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बिहार के मनेर में सोन नदी में एक बार फिर से नाव हादसा हो गया। सोन नदी के बीच धार में दो नाव आपस में टकरा गई। हादसे में करीब 12 मजदूरों से भरी नाव बीच नदी में पानी में डूब गई, लेकिन नाव पर सवार लोग तैर कर किसी तरह बाहर आ गए। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देशभर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बरेली में प्रशासन ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस मुहिम में भारी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलवाई गई। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर जाकर खत्म हुई। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस दौरान 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, NCC और NSS के जवानों ने फाइनल रिहर्सल किया। इसके लिए संबंधित रूटों पर पहले ही ट्रैफिक रोक दी गई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रही है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सुरक्षा बलों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म और ट्रेन के भीतर डॉग स्क्वाड की टीम से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज एक विशेष कार्यक्रम हुआ। अंडमान निकोबार के 21 द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका नामांकन किया। पोर्ट ब्लेयर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का अनावरण भी किया। भारतीय नौसेना में एडवांस सबमरीन INS वागीर शामिल हो गया है। नेवी चीफ की मौजूदगी में INS वागीर को कमीशन किया गया। यह 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी है। घातक हथियारों से लैस सबमरीन वागीर को साइलेंट किलर कहा जाता है। विशेष तकनीक से लैस होने की वजह से इसके अंदर से आने वाली आवाज बाहर नहीं आ पाती, साथ ही ये रेडार के पकड़ में भी नहीं आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।